ओके नमस्कार आदाब सताल मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज एनालिसिस में उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को नहीं एक दोबारा से रीटेक नमस्कार आदाब सत स्वागत है आप सभी का मेरे बिग बैंग सीरीज में आज है डे थ्री इस बिग बैंग सीरीज का और आज हम करने वाले हैं क्या डिफेंस एक्सरसाइजेस कंपाइलेशन है लास्ट सिक्स मंथ का जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइज हुई हैं उन सब का शुरुआत करते हैं आज के सेशन की ओके okay. एकदम बढ़िया तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट सेशन क्रिस्प सेशन रहने वाला है फटाफट से करते हैं लर्निंग नीति डाउनलोड कर लेना ठीक है जहां पर आप क्वीजेज वगैरह देख सकते हो मेरे ऐट द रेट की एक आर्टपॉल टेलीग्राम पर आपको इस क्लास की पी डी एफ मिलेगी सर्च करना एट द रेट की एक आर्टपॉल जहां पर आपकी इस क्लास की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग बाद में करेंगे प्रमोशन ठीक है करेंगे जरूर करके जाएंगे है ना बाद में करेंगे लेकिन वीडियो कोर्स पी डी एफ कोर्स और ये पी डी एफ कोर्स ठीक है चलो आ जाओ शुरुआत करते हैं आज किससे तरंग शक्ति हे मा शक्ति दे तो तरंग शक्ति किसके है इंडियन एयरफोर्स और ट्वेल्व एयरफोर्स का नाम किनके बीच में हो रही है एक्सरसाइज और कहां पर हो रही है एक्सरसाइज या कहां पर हुई है कहां पर होने वाली है तो तीनों टेबल आपके बढ़िया से दे दिए हैं पसंद आया टेबल टेबल पसंद आया बढ़िया लगा टेबल याद हो जाएगा इजिली इससे है ना सही कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है ओके ग्रेट चलो तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स और ट्वेल्व एयरफोर्सेज में होगी ये अगले साल होगी है ना अनाउंस की जा चुकी है ठीक है तरंग शक्ति नाम की यह होगी इंडियन एयरफोर्स और बारह एयरफोर्सेज के बीच में शक्ति है तो शक्ति काफी लोगों में एक साथ फैलेगी है ना बारह एयरफोर्सेज और इंडियन फोर्स त्रिशूल त्रिशूल इंडियन एयरफोर्स का ही है ठीक है मैंने थोड़ी सीक्वेंस बनाने की कोशिश किया ताकि आपको याद रहे आसानी से जैसे इंडियन एयरफोर्स का जो है एक्सक्लूसिव वाला वो मैंने एक साथ दे दी है आपको ताकि आपको याद करने में आसानी हो तो त्रिशूल है ना एक हर्षल सर का एक कोर्स भी है त्रिशूल के नाम से तो वो इंडियन एयरफोर्स त्रिशूल राइट रन विजय इंडियन एयरफोर्स रन विजय इंडियन एयरफोर्स तो तीन एक्सरसाइज जो है वो इंडियन एयरफोर्स की ऐसा नहीं इंडियन एयरस की और एक्सरसाइज नहीं आएंगी हो सकता आए हो सकता ना आए लेकिन एक्सक्लूसिव इंडियन फेयर्स की ये तो और बारह एयरफोर्सेज है पता ही नहीं कौन कौन से कंट्रीज अभी आएँगी कंट्रीज जुड़ेंगी फिर देखेंगे है ना मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स तरंग शक्ति त्रिशूल रणविजय थोड़ा सा मुश्किल होगा आज वाले सेशन को याद करना मैं पहले बता दूं आपको ठीक है पहले कह दूं कि याद करना मुश्किल होगा कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी लेकिन कोशिश करेंगे इसलिए टेबल फॉर्म में दिया ताकि आप बाद में रिवाइज करोगे तो ईजिली आपको याद हो जाए ठीक है ओके टेलीग्राम पे होता है बेटा टेलीग्राम सर्च करो यहाँ पर मिल जाएगा पीडीएफ जनरल कपिल कार्डपल करके चैनल है अगला चलते हैं अगली चलते हैं ट्वेंटी सेवन मालावार मालावार तेल भी आता है ना कोकोनट ऑयल का एक कंपनी का नाम है ना राइट है ना अच्छा ये साथ में ये भी है कहां कहां पर हुई है ये भी है ठीक है तो ये त्रिशूल वाली तो हुई थी चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक और जो दूसरी रन विजय है ये यहां पर एक यूबी हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड है वहां पर हुई थी मालाबार की बात करो तो इंडियन नेवी यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी है जापान की ऑस्ट्रेलिया की तो ये इंडियन यूएस और जापान और ऑस्ट्रेलिया कुछ याद आ रहा है ये चार देश क्या आग बनाते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन बनाते हैं चार देश कौन सा एक ग्रुप बनाते हैं चार देश इंडिया यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में जरा मैं कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूं तो ये चार देश जिनकी नेवी ने क्या किया है मालाबार एक्सरसाइज कहां पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सिडनी में एक्सरसाइज आयोजित की गई ब्राइट स्टार ये आर्मी की एक्सरसाइज आ गई यहां पर इसमें इंडियन आर्मी है यूएसए की है सऊदी अरेबिया है ग्रीस और कतर है ठीक है कौन है इंडिया यूएस सऊदी ग्रीस और कतर है इसमें आपका ब्राइट स्टार ब्राइट स्टार है ना ब्राइट स्टार नाम की एक्सरसाइज इंडिया यूएस और सऊदी, ग्रीस कतर अलग अलग लोकेशंस पर ही हैं। इन सबको मिलकर क्वाड ग्रुप कहते हैं बिल्कुल सही कहा आपने ठीक है क्वाड ग्रुप कहते हैं इनको क्वाड इन्होंने मतलब चारों ने मिलकर चाइना को घेरा है कोशिश की है है ना और ये आपकी एक्सरसाइज जो हो रही है वो किसी तीसरी अलग की जगह पर हो रही है इजिप्ट में ठीक है इजिप्ट के कायरोस पर यहां पर एक्सरसाइज हो रही है

ठीक है और ये कहां पर हुई थी एक सेंट्रल एयर कमांड था वहां पर हुई थी ट्वेंटी सेवन माला कुछ देश थे कौन से देश थे क्वाड देश थे क्वाड कौन कौन से हैं इंडिया है यूएसए है ऑस्ट्रेलिया है और जापान है ठीक है चारों साइड से चाइना को घेर लिया गया है ना चाइना के साथ इंडिया नीचे जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया उस तरफ जाओगे तो जापान और यूएस आ जाएंगे राइट तो यहां पर आपका मालाबार और ब्राइट स्टार हुई थी ये भी इंडिया है इसमें यूएसए इसमें भी है इसमें भी इंडिया यूएसए है इसमें भी इंडिया यूएसए है दोनों तो दो कॉमन आई गए इसके अलावा कौन सी कंट्री और आ गई ग्रीस आ गई कतर आ गई और एक सऊदी आ गई ठीक है तो ये तीन कंट्रीज और जिसमें जुड़ जाती हैं इसमें इंडिया यूएस सऊदी ग्रीस कतर ठीक है गॉट इट ये इजिप्ट में हो रही है, ये क्लियर है। अगले पेज पे चलते हैं अगला पेज क्या कहता है सुदर्शन शक्ति सुदर्शन शक्ति कहां हुई है सप्त शक्ति कमांड ऑफ इंडियन आर्मी तो ये सप्त शक्ति कमांड है इंडियन आर्मी की इसके द्वारा कंडक्ट की गई है और ये यहां पर राजस्थान और पंजाब के वेस्टर्न बॉर्डर्स पर कहीं पर आयोजित की गई कंडक्ट की गई है ये है सुदर्शन शक्ति ठीक है सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज सप्त शक्ति कमांड सुदर्शन शक्ति किसके द्वारा सप्त शक्ति कमांड इंडियन आर्मी के द्वारा पंजाब और राजस्थान के वेस्टर्न इलाके में यहां पर आयोजित की गई एयर डिफेंडर एयर डिफेंडर एक्सरसाइज यहां पर इसका इंडिया से कोई संबंध नहीं है एयर डिफेंडर एयर डिफेंडर नेटो कंट्रीज जो है नेटो नेशंस जो है जो मेंबर्स हैं उसके उनके द्वारा कंडक्ट की गई है 25 नेटो एंड पार्टनर कंट्री जिसमें जापान और स्वीडन भी शामिल है तो एयर डिफेंडर जो है ये नेटो कोर कुछ मेंबर कंट्रीज के द्वारा जापान और स्वीडन के द्वारा की गई कहां पर बाल्टिक सी एंड सदर्न जर्मनी ये लोकेशन है यहां पर आपका किया गया था ठीक है नेक्स्ट आ जाती है नेवल एक्साइज कोमोडो कोमोडो नाम की एक्साइज है ये आशियन नेशन है आशियान नेशन जो है इनके बीच की है कोमोडो ठीक है

इंडिया की नहीं है का 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 कोई 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 लेना-देना लेना लेना-देना नहीं नहीं है, है इसमें को तो इन तीनों में इंडिया का कहीं पर भी दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना एयर डिफेंडर कोमोडो और खान में ठीक है कौन कौन है सुदर्शन शक्ति में कौन था सप्त शक्ति ऐसा कुछ था सप्त शक्ति कमांड थी कहां हुई थी राजस्थान पंजाब के बॉर्डर पर हुई थी अगला एयर डिफेंडर एयर डिफेंडर नेटो था और जापान था और स्वीडन था उसमें ठीक है मैं गलत नहीं हूं सही कहा मैंने ठीक है और ये कहां पर हुई थी ये हुई थी कहां पर कहां पर कहां पर कहां पर देखते हैं बताओ आप बताओ आपके तो पीछे लिखा ही हुआ है मैं तो कौन सा पीछे देखकर या सामने देखकर कर बढ़ा रहा हूं है ना अगला है कोमोडो कोमोडो किसके बीच में हुई थी आशियन आशियन कंट्रीज जो है उसमें हुई थी और ये इंडोनेशिया में हुई थी ठीक है कोमोडो आशियन नेशन और इंडोनेशिया लोकेशन खान क्विस्ट खान क्विस्ट ये लोकेशन तो मंगोलिया थी है ना और किसके बीच में हुई थी ये कोई कंट्रीज थी 26 कंट्रीज या 22 कंट्रीज कुछ ऐसा था 26 कंट्रीज के बीच में मिलिट्री में हुई थी खान क्विस्ट और ये हुई थी आपकी मंगोलिया में ठीक है ये कहाँ हुई है ये जो मैं भूल गया था ये डिफेंडर जर्मनी में और बाल्टिक सी मतलब वहीं पर ही है लोकेशन बाल्टिक सी तो वहां पर ही एक्सरसाइज हुई थी ठीक है ओके सर जी जिसमें इंडिया नहीं है उसे छोड़ दो अरे यार बंदूक इंपॉर्टेंट थी तभी क्लास में कराई है ना यार है ना कुछ इंपॉर्टेंट होगी आशियन नेशंस नेटो नेशंस बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करवा रहा हूं मैं तुम्हें है ना ठीक है तीन चार ही ज्यादा नहीं है चलो जी अब आगे देखो कॉम्बिनेशन वाली है एक ही स्लाइड पर मैंने सारी कॉम्बो मतलब कोम्बो वाली मतलब थोड़ी आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी इसमें पढ़ते हैं फेल्कन शील्ड फेलकन शील्ड फेल्कन एक वो भी होता है ना बर्ड बर्ड भी होता है ना फेल्कन है ना तो चाइना रियस यूएई ये एक एक लौती है जो दो कंट्रीज के बीच में और हुआ हमारे मेरे चार्ट में इंक्लूड है बाकी कोई नहीं है बाकी ये से है। तो चाइना के बीच में शील्ड हुई है चाइना को रिप्लेस कर दिया इंडिया ने तो जायद तलवार इंडिया और यूए के बीच में हुई है और ये दुबई में हुई थी ठीक है दुबई में हुई थी आपको पता है दुबई क्या है पर है ओके गलत है चलो कोई बात नहीं छोड़ो यार कौन सी एक्सर्स अच्छा ठीक है ये वाला ठीक है ओके सो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस एंड यूएई ट्राइलेटरल ट्राई लेटरल मैरिटाइम एक्सेस यहां पर ट्राइलेटरल है यानी तीन देश है इसमें भी यूएई शामिल है इंडिया तो शामिल है और फ्रांस तो so, ये दोनों कॉमन आ गई देखो जायद और जायद तलवार और ट्राइलेटरल मैरी पार्टनरशिप एक्सरसाइज दोनों में यहां पर इंडिया यूएई तो है है ही और ट्राइलेटरल में एक और कंट्री शामिल होगी और वो कंट्री कौन सी शामिल फ्रांस शामिल फ्रांस हो गई ठीक है अब अगली एक्सरसाइज में मैंने यूएई को हटा दिया अगली में हमने यूएई को हटा दिया और इसमें कौन सी फ्रांस के साथ ज्वाइंट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज ठीक है तो अब इन तीनों को एक साथ याद करो ये ग्रुप बनाओ और तीनों को एक साथ याद करो जायद तलवार इंडिया यूए के बीच में हुई है ठीक है लोकेशन में भी याद करेंगे तलवार इंडिया यूए के बीच में हुई है फिर एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज आई है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है और फिर एक बाइलेटर एक्सरसाइज आई है उसमें UAE को हटा दो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है ठीक है ये कॉम्बो बैठ गया आपका ये तीनों मैंने इसलिए पी, 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 पीडीएफ में ये तीनों एक साथ ही दिए मैंने ऐसे ही करके कुछ कोशिश की है थोड़ा सा कंबाइन करने की ताकि आपको जब आप रिवीजन करो तो इजीली याद हो जाए तो जाय तलवार कहां हुई थी दुबई में हुई थी ये जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है ये अलग ही लोकेशन पर हुई है ओमान अलग ही कंट्री है वहीं पर ही हुई है ना गल्फ ऑफ ऑफान खाड़ी में हुई है वहां पर और यह ज्वाइंट है ये यहां पर विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम इंडिया में हुई है इंडियन नेवी और फ्रांस की में आयोजित की गई है ठीक है ओके चलिए सेवंथ जापान इंडिया मेरी टाइम एक्सेस जपैन और इंडिया नाम ही इसमें आ गया तो इसमें तो इंडिया जापान क्या कहे ये भी विशाखापट्टनम है इसमें लोकेशन याद रखना विशाखापट्टनम अगला है एक था, एक, था, एक, आथा, एक आथा है ना कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन होगा मालदीव ओके सो so, मालीव खूबसूरत जगह खूबसूरत लोकेशन खैर आजकल ओवर रेटेड हो चुका है बहुत सारे अब थोड़ा बोरिंग सा लगने लग गया मालदीव तो जाने का मन ही नहीं, नहीं करता ठीक है तो ये है एक कथा इंडिया और मालदीव्स ये हुई है मालदीव्स में मालदीव्स के साथ हुई अगला है अल मोह अल हिंदी ये इंडियन नेवी और सऊदी अरेबिया नेवी अब देखो ये मैंने सारी इंडियन नेवी की डाली है ये सारी नीचे वाली इंडियन नेवी इंडियन नेवी इंडियन नेवी इंडियन नेवी ठीक है कोम्बो आपका बैठा रहा हूँ मैं बिल्कुल सही तरीके से ये जापान वाली हुई इंडिया जापान, एक था मालदीव्स के साथ हुई और मोहेद अल हिंदी हुई यहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ तो मोहेद अल हिंदी सऊदी अरेबिया नेवी के साथ यहां पर आपकी हुई है ठीक है तो यह है आपका यहां पर यह सऊदी अरेबिया में हुई यह मालदीव वाली मालदीव में हुई और यह इंडिया जापान की में हुई फ्रांस वाली विशाखापट्टनम में हुई यह तीन वाली ओमान में हुई यह दुबई में हुई और ये चाइना में हुई पढ़े एक बार रिवाइज करें क्या है शील्ड ये इसमें इंडिया का को कोई लेना देना नहीं चाइना और यूएई के बीच में हुई चाइना में हुई थी जायद तलवार इंडिया और यूएई के एक्सरसाइज है दुबई में हुई थी ट्राइलेटरल uh, इसमें फ्रांस जुड़ गया था है ना फ्रांस जुड़ गया था, और ये तीसरी अलग ही जगह में हुई थी अगला है exercise, दो, इसमें निकल गया था, और फ्रांस खड़ा था फ्रांस में लेकिन ये हुई इंडिया के विशाखापट्टनम में और अगला है जापान इंडिया मैरिटाइम एक्साइज ऑब्वियसली इंडिया में हुई में एक कथा एक कथा यहां पर हुई इंडिया और मालदीव्स के बीच में और मालदीव में ही एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और अल मोहेद अल हिंदी यहां पर सऊदी के साथ हुई और ये सऊदी में ही कंडक्ट की गई थी ठीक है पन्ना याद हो गया पेज याद हो गया सही तरीके से ठीक है चलो क्या हो गया प्रशांत मैं देख क्या अभी रुको यार मैं पढ़ता हूं तुम्हारा कमेंट ओके चलो ये है आशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज एक और नेवी की एक्सरसाइज यहां पर अब सिंगापुर से जुड़ी हुई इंडिया और सिंगापुर की दो एक्सरसाइज है एक तो आशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज और सिम्बैक्स ये दोनों कॉम्बो कर दिए ये दोनों इकट्ठे याद रख लो आशियान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज और थर्टी सिम्बैक एक्सरसाइज दोनों की दोनों इंडिया और सिंगापुर के बीच में यहां पर हुई अब अबियन है तो इसमें नेशंस में से एक नेशन सिंगापुर है यहां पर आपका और ये आपकी दोनों की दोनों एक्सरसाइज यहां पर सिंगापुर में ही कंडक्ट की गई है आशियन इंडिया मैरिटाइम और सिम्बैक्स दोनों सिंगापुर के साथ और सिंगापुर में ही की गई है अगला तो समुद्र शक्ति समुद्र शक्ति भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है अभी देखो नेवी वाला ही सिस्टम चल रहा है ये इकट्ठा नेवी वाला सिस्टम मैंने एक साथ ही दिया है ठीक है तो ये समुद्र शक्ति ये इंडोनेशिया के साथ हुई और ये बटम बटाम कुछ ऐसा नाम है इसका आइलैंड है शायद एक इंडोनेशिया में वहां पर हुई है तो ये नेवी वाली कंप्लीट हो गई आपकी ठीक है नेवी वाली कंप्लीट होगी अब थोड़ा आर्मी वाले पे चलते हैं जल राहत जल राहत यहां पर एक्सरसाइज जो है इंडियन आर्मी एनडीआरएफ एसडीआरएफ एनडीआरएफ यहां पर डिजास्टर वाला जो है ना आपका डिजास्टर रिलीफ वाला फंड है नेशनल लेवल का और एक स्टेट लेवल का तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ ये वो है ठीक है एनडीआरएफ एस डी आर एफ और की इंडियन आर्मी के साथ जल राहत जल राहत असम असम में आयोजित की गई नोमैडिक एलिफेंट यहां पर इंडिया और मंगोलिया की एक्सरसाइज है ये आर्मी की एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए की काफी फेमस एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास करके और अग्नयास्त्र अग्नयास्त्र इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है ठीक है तो ये इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है ये आपके है। यहां पर अब लोकेशन एक बार देख ले लास्ट वाली इंडिया मंगोलिया वाली तो उल्बतार मंगोलिया में हुई युद्ध अभ्यास यहां पर आपकी यूएसए का अलास्का में हो रही है और जो है ये ईस्टर्न लद्दाख में आयोजित की जा रही है ठीक है तो ये आपकी एक्सरसाइज एक बार रिवाइज कर लेते पे हैं इस पेज को आशियन इंडिया मेरी एक्सरसाइज किसके बीच में इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिंगापुर में हुई सिम्बेक्स हुई ये भी इंडिया सिंगापुर में सिंगापुर में हुई समुद्र शक्ति इंडियन नेवी और इंडोनेशिया नेवी के बीच में हुई थी और बटैम नाम की जगह इंडोनेशिया में वहां पर हुई थी जल में आर्मी है और युद्ध अभ्यास और यूएसए के बीच में, में, के बीच में ही अलास्का यूएसए में हुई है और एक्साइज अग्न ये इंडियन आर्मी का एक्साइज है और ये कहा हुई है ये ईस्टर्न लद्दाख में हुई है क्लियर है ओके है बढ़िया है समझ में आ गया आया कि नहीं आया आ गया समझ बिल्कुल बढ़िया से चलो बताओ फिर सेशन कैसा लगा एंड हो गया जाओ सो जाओ ठीक है सोना नहीं है इसी से इसी इसी चैनल पर छह बजे अभी दस मिनट बाद स्मृति मैम की एक रीजनिंग मेंस की क्लास होने वाली है जो लोग मेंस की कंटेंट का तलाश में है ढूंढ रहे हैं वैसे मैम बहुत टाइम से बहुत दिनों से बहुत महीनों से यहाँ पर आपका मेंस की क्लास डेली ले रही है सुबह साढ़े बारह लेती थी लेकिन सुबह साढ़े बारह बजे प्रिलिम्स की क्लास हुई है मैम की और मेन्स की क्लास छह बजे तो डेली बेसिस पर सुबह साढ़े बारह बजे यहाँ पर प्रिलिम्स सुबह और मेन्स शाम को होगी तो ये सेशन मैं एंड कर रहा हूं इस सेशन के तुरंत बाद इसी चैनल के साथ बने रहना 6:00 बजे मेंस की रीजनिंग क्लास में आना जिसमें मिसक्लिनियस क्वेश्चन भी होंगे कुछ एक आध पजल भी होगी बहुत अच्छा कंटेंट होगा तो आना जरूर उस सेशन में और आज जनरल अवेयरनेस का एक और मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है करंट अफेयर्स से रिलेटेड जाकर मेरे क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स में देख लेना अगर किसी ने क्रॉसवर्ड लेना है तो 499 में उपलब्ध है -10 डिस्काउंट के साथ क्रॉसवर्ड में आपके लिए आज एक और टेस्ट अपलोड हो गया है जैसे मैंने आपको बताया मैं आपको दिखा देता हूं वो आपका ठीक है कंटेंट में ठीक है या आईबीपीएसपी जनरल प्रीमियम मोक टेस्ट के अंदर ये नया फोल्डर बन गया देख लेना वो मैं कर दूंगा इसको रेक्टिफाई कल ऑलरेडी इसमें दो अपलोडेड थे टेस्ट ठीक है आज एक और टेस्ट इसमें अपलोड कर दिया गया है आपके लिए ठीक है और नीचे जाओगे ना एक और फोल्डर बना हुआ गलती से बन गया वो इसी के अंदर ये इंक्लूड हो जाएगा तो जनरल मॉक टेस्ट क्वेश्चन का एक टेस्ट है जाकर अटेम्प्ट कर, कर लेना और बैंकिंग के भी टेस्ट है इसको परचेज करने के लिए वेबसाइट पे जाओ क्रॉसवर्ड पे जाओ 499 देखो अप्लाई हेयर पे क्लिक करना कोई भी कोड इसमें से जो पसंद आए वो इस, अप्लाई कर देना और आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर परचेज कर लेना इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा इसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेंगी इसके अंदर आपको क्विजेज मिलेंगे इसके अंदर डेली पीडीएफ डेली क्विजेज और मंथली पीडीएफ मंथली क्विजेज वीकली पीडीएफ वीकली क्विजेज और इस तरह के टेस्ट बहुत सारे आपको मिलते रहेंगे डेली बेसिस पर जो मैंने अभी आज अपलोड किया है ठीक है ओके अरे बंधु मैंने मेल किया है आपकी टीम को पर कुछ रिप्लाई नहीं आया अरे मेल किया क्या है बच्चा ये तो बता सर जो उसके बारे में पहले ही बता दिया करो ताकि हम वो न्यूज़ पढ़ के आए अच्छा हमारे रिव्यूज देखते हैं बता देते ओके <laughs> okay, कल से बताते हैं सर डेज भी करवा रहे अभी तीन दिन ही हुए हैं अभी सात दिन और क्लास लेनी है करवा दूंगा कुछ ना कुछ करवा दूंगा अच्छा बात सुनो अट्ठाईस तारीख के मैराथन के लिए रेडी हो या नहीं हो मन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है एग्ज़ाम की टेंशन तो नहीं है है ना बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ नहीं है इसमें ठीक है इसमें करंट अफेयर्स की मिलेंगी बैंकिंग के क्विजेज मिल जाएंगे इसके अंदर बैंकिंग अवेयरनेस के देखो क्विजेज मैंने दे दिए हैं बैंकिंग के ये कल मैंने एक अपलोड किया था आज कोशिश करूंगा एक और अपलोड करा दूंगा कल हिस्ट्री के बारे में अपलोड हुआ था ठीक है सर मुझसे गलती से टेस्ट सीरीज क्रॉसवर्ड करंट अवेयर्स पर चीज़ हो गया अरे बंधु ऐसा मत किया करो यार आर बी डब्ल्यू एम का एग्जाम उनतीस को तो अट्ठाईस को रखी है बंधु मैराथन उनतीस को तो है ही नहीं है अट्ठाईस को है चलो देख लेते हैं ठीक है सर ये कुछ अटैम्प्ट क्रॉसवर्ड परचेज करना पड़ेगा या तो क्रॉसवर्ड परचेज कर लो या फिर मेरे वाला एनुअल पैकेज खरीद लो मेरे वाला एनुअल पैक ये वाला खरीद सकते हो इसके अंदर आपको मेरी सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी और मेरा क्रॉसवर्ड का कंटेंट सारा मिल जाएगा जनरल अवेयन की क्लासेस भी मिल जाएंगी करंट अफेयर्स की रिविजन क्लास बैंकिंग एनस क्रॉसवर्ड भी मिल जाएगा इंग्लिश एडिटोरियल क्लास लेता हूँ ये वन ईयर का इसका भी पैक है ठीक है इसमें भी सारा कुछ मिल जाता है इसमें सब कुछ है वीडियो लेक्चर भी हैं टेस्ट भी हैं सब है अवेलेबल चलो थैंक यू सो मच मैडम आ चुकी है मैं सेशन एंड करता हूँ और फिर मिलते हैं कल साढ़े पाँच बजे और अभी मैम की क्लास में आ जाना बस विद इन फाइव मिनट्स मैम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी थैंक यू टेक केयर बाय सेशन कैसा लगा बताना ज़रूर एनुअल मॉक टेस्ट में अभी नहीं है फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है क्रॉसवर्ड एनुअल मॉक टेस्ट के अंदर क्रॉसवर्ड कैसे आएगा यार एनुअल मॉक टेस्ट अलग प्रोडक्ट है क्रॉसवर्ड अलग प्रोडक्ट है एनुअल मॉक टेस्ट में क्रॉसवर्ड दे दूंगा भाई <laughs> कुछ टेस्ट इंक्लूड हो सकते हैं वो भी हम टेक्निकलिटीज उसकी फाइंड कर रहे हैं अभी हो नहीं पा रही हैं वो चीजें कुछ टेस्ट लेकिन आप कहोगे एनुअल मॉकोल को, mock... को सर पांच सौ में ऐसा करो सर फाइव हंड्रेड रुपीज ले लो पूरा पूरा मैम के सेशन भी इंक्लूड करा दो हर्षल सर के सेशन भी इंक्लूड करा दो यार कुछ सोचो ना कुछ तो सोच लो <laughs> चलो थैंक यू